कई बार हम दूर से किसी को देखते हैं, देख करके सोचते हैं कि हाँ यार ये बंदा स्टेज पे खड़े होकर के अगर इतनी सारी बात कर रहा है तो ये परफेक्ट होगा। बिलीव यू मी, नोबडी इज परफेक्ट। इंस्पिरेशन सबको चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये सब कुछ करा जा रहा है। खुल के बताओ अपने दिल में कि प्रॉब्लम क्या है। कि जब हमको पता है कि हमको सिर्फ मानना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मान लो और अपने अंदर तक एक जिसे कहते हैं ना विश्वास करो उस पर जिस पे आप करते हो। प्रॉब्लम क्या है? जब हमको पता है कि बिलीफ होना चाहिए और अगर वो हुआ तो हमको कोई रोक नहीं सकता, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर क्या है? ये जो आप चाहते हो ना, इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। थॉट से डायरेक्शन बनती है या राइट अंडरस्टैंडिंग से सही डायरेक्शन बनती है। अंडरस्टैंडिंग को भी आप चाहो तो थॉट्स बोल सकते हो, लेकिन वो थॉट्स ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, वो राइट थॉट्स होते हैं। अगर आपके अंदर ये अंधविश्वास है कि पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है, तो आपको इस अंधविश्वास से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती कि नेगेटिव थिंकिंग भी काम करती है। लेकिन अगर आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि आज तक आपने अपने माइंड में कितना नेगेटिव सोचा, किन किन चीजों के बारे में, किस किस लेवल पे क्या क्या नेगेटिव सोचा, कि घर वाले कहीं बाहर गए हुए तो कितना सोचा कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब हुआ क्या? अगर सोचने से कुछ मिलता तो कोई बच्चा जो भूखा है कई दिनों से, भूख से तड़प रहा है, दिन में एक बार खाने को मिल रहा है, तो वो पूरे दिन सुबह से रात तक किसके बारे में सोच रहा है? तो खाना उस तक पहुंच जाना चाहिए अपने आप या नहीं पहुंचना चाहिए? तो जब हम सोचते हैं तो उसका असर दूसरों पर नहीं होता है, इट इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को देखो सबसे पहले। तो नेगेटिव थिंकिंग का डायरेक्ट असर नहीं होता है आपके ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो आप डरते हो, उस डर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। नेगेटिव थिंकिंग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। लेकिन ये बोलते ही अगर मैं डर जाता तो उस डर की वजह से जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो डर डर करके सीढ़ियां उतरूंगा, डर डर करके गाड़ी चलाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो जो डरेगा वो मरेगा। कौन डरेगा? जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो डरेगा, या जो मानता है कि उस नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से कुछ होने वाला है वो डरेगा? नेगेटिव थॉट्स तो सबके माइंड में आते हैं, मेरे भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? और जिसको हम नेगेटिव कहते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो थॉट्स होते हैं। आता है थॉट आने दो, नहीं आता तो मत आओ। इसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर थॉट्स का असर होना बंद हो गया है। थॉट्स पता है आपको क्या है? थॉट के बेस पे हम समझते हैं। बट व्हाट इज अ थॉट? वर्ड गिवन टू अ फॉर्म इज थॉट। तो जो हम अपने आप को बोल रहे होते हैं वो थॉट है, वहां से थॉट पैदा होता है। थॉट्स को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमको समझ आए थॉट क्या है और थॉट की शुरुआत कहां से होती है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर थॉट, व्हाट इज द रूट ऑफ थॉट, कहां से वो पैदा होता है? वो पैदा होता है एक वर्ड से। जब एक फॉर्म को लैंग्वेज के साथ जोड़ा जाता है तो इस जुड़ने को थॉट बोलते हैं। वर्ड तो हो लेकिन उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ ना हो, वहां भी थॉट नहीं होता है। थॉट को रिट्रीव कैसे किया जाता है? पास्ट मेमोरी को रिट्रीव कैसे किया जाता है? क्या आप सीधा इमेज के बारे में सोच सकते हो? क्या आप सीधा एप्पल की इमेज को अपनी ब्रेन में ला सकते हो बिना एप्पल बोले? आगे ना बात समझ में। क्या फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो बिना बोले? फ्यूचर को इमेजिन करके दिखाओ बिना बोले, पास्ट को रिट्रीव करके दिखाओ बिना बोले, प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में सोच करके दिखाओ बिना बोले। तो ये बोलना थॉट है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना समझे किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। हम क्या होता है, हम नेगेटिव थॉट से डर रहे होते हैं। क्यों डर रहे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। बाहर क्या है कि लोग आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें ना आप लोगों के दिमाग में भर दी गई है बुक्स से, यहां से वहां से, हमारी अपब्रिंगिंग के थ्रू। जबकि डीपली अगर आप मेरे साथ साथ चलने को तैयार हो तो बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब कि अगर हम चल करके देखेंगे थॉट्स क्या है तो आपको समझ आ जाएगा वो कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव थॉट्स कुछ है ना नेगेटिव थॉट्स कुछ है। दोनों को छोड़ करके जब आप अपनी लाइफ को जियोगे तो वो बड़ी कमाल की लाइफ होगी। दैट वुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सोचते रहोगे होना दोनों कुछ है, सोचने से होता तो बात ही क्या थी।